फुटबॉल सिर्फ हमारे लिए खेल नहीं है बल्कि जिंदगी है, और जिंदगी तो अपनी शर्तों पर जी जाती है। अब जिंदगी है तो संघर्ष भी है। अरे फुटबॉल वापस करो, इसके पीछे भागोगी तो खाना बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? लेकिन हम भी हार ना मानने वालों में से एक है। Never give up। फिर चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी। ये स्पोर्ट्स कोच भी ना लड़कों को हर बार सही समय पर फुटबॉल सिखाने पहुंच जाते हैं, और हम लड़कियों का क्या? निकलो यहाँ से, लड़कों को खेलने दो। पिंकी, ये छोटे कपड़े पहनकर खेलना, बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है। लोग क्या कहेंगे? किसी ने छेड़छाड़ की तो कौन जवाब देगा? वो टीम ही क्या जो मुश्किलों में बिखर जाए? टीम वर्क के भी कुछ मायने हैं। लगातार अभ्यास और सेल्फ डिसिप्लिन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है, लेकिन हमारा मुकाबला सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज से भी। हम ईमानदार थे तो हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। दिल तो हम जीत ही रहे थे, अब मैच जीतने की बारी थी और हम जीते। मुश्किलें कितनी भी हो, उनके लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, उसके बाद ही परिवर्तन आता है। फिर चाहे बात आपकी जिंदगी की हो या फिर समाज की, ये है हमारी कहानी। और मैं हूँ रीवा, एक फुटबॉल खिलाड़ी और स्पोर्ट्स कोच। बढ़ते कदम 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के ग्रुप में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र में शोध। स्पोर्ट्स कोच के पास जाइए, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे, उनसे जानिए कि स्पोर्ट्स कोच का जीवन कैसा होता है। यदि वो इस काम को व्यवसाय के तौर पर चुनते हैं तो इस क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं? ये देखे कि कितनी महिला कोच है और कौन से खेलों में, इसकी सूची भी बनाइए। सारी जानकारी के नोट्स बनाना और फोटो लेना ना भूले। दूसरा दिन, क्षेत्र में फिर से शोध। स्पोर्ट्स कोच से जाकर पूछे कि वे कौन सा खेल सिखाते हैं, क्या वे सभी उम्र के लोगों को सिखाते हैं, क्या महिलाओं के लिए उनका कोई स्पेशल बैच है। आपको क्यों लगता है कि महिलाओं का इस क्षेत्र में होना जरूरी है? तीसरा दिन, एक दल बनाकर अलग अलग खेलों के स्पोर्ट्स कोच से मिलने जाइए और उनसे पूछे कि उन्होंने स्पोर्ट्स कोच बनाने के लिए कौन सा कोर्स किया, कहाँ किया, कितनी फीस लगी, कितना समय लगा। चौथा दिन, एक स्पोर्ट्स एकेडमी के मालिक के पास जाइए और उनसे पूछिए कि वो अपने व्यवसाय कैसे चलाते हैं, पूंजी, मुनाफा, कर्मचारी और वेतन, हर चीज के बारे में जानकारी ले। पांचवा दिन, अब मिली हुई जानकारी के आधार पर अपनी व्यवसाय योजना बनाकर अपनी शिक्षिका को मूल्यांकन के लिए दीजिए। इसके बाद आपको गेट अ प्लान की अगली कहानी देखनी है और उसकी शोध योजना को अमल में भी लाना है, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी योजना को सच बनाने में यकीन रखता है।